सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर, ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मैटा दी कीती आलोचना। क्या मैटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स तो घरेलू खबरां ब्लॉक करके चंगा नहीं किया? ट्रूडो ने आख्या कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी सेफ्टी तो वध तरजीह मुनाफे नूं दे रही है। BC च बेकाबू हुई जंगली अग ने हवा की गुणवत्ता नूं कीता प्रभावित। सूबा सरकार वालों अलर्ट जारी। जंगली अग कारण घर खाली करन दे आदेशां ने 30,000 तो वध लोकां नूं कीता प्रभावित। रिहायश की घाट ने वधाई सरकार ते अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की चिंता। ऑटवा ने कहा वह विद्यार्थियों की रिहायश की घाट नूं हल करन लई सूबियां प्रदेशां ते होर प्रमुख भाईवालां नाल कर रहा है गल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने 21 होर म्यूनसीपैलिटीज़ नूं स्ट्रोंग मेयर पावर्स दित्तियां। इन्हां पावर्स नाल मेयर्स नूं हाउसिंग संबंधी बायलॉज पेश करन ते एक तिहाई कौंसलर की मदद नाल इन्हां नूं पास करन दी मिलदी है खुल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मैटा की आलोचना करदिआं आख्या है कि अपने प्लेटफॉर्म्स तो घरेलू खबरां ब्लॉक करके कंपनी ने चंगा नहीं किया। ट्रूडो ने आख्या कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी सेफ्टी तो वध तरजीह मुनाफे नूं दे रही है, तो दूजे पासे सैकड़े लोगों जंगल की अग कारण अपने घर बार छड्डण लई मजबूर होना पै रहा, तो ये खबरां सारिआं तक नहीं पहुँच रही। खबरां लई इंटरनेट कंपनियां नूं संबंधित पब्लिशर्स नूं बनती रकम देण संबंधी कैनेडा च लियांदे गए नवें लॉ तो बाद मैटा वर्गियां वड्डियां कंपनियां ने फेसबुक ते इंस्टाग्राम दे प्लेटफॉर्म्स ते पईआं खबरां कैनेडियन यूजर्स लई ब्लॉक कर दित्तियां। ट्रूडो दीआं इह टिप्पणियां सरकार वल्लों मैटा उत्ते बोलिया गया ताज़ा हमला है। PEI विखे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ट्रूडो ने आख्या कि फेसबुक अपने निजी हितों को पहल दे रही है, तो कंपनी दीआं अजिहीआं हरकतां आप उदरियां ने। फैडरल लिबरल कैबिनेट मंत्रियों वालों पिछले हफ्ते इस तरह की पाबंदी को गैर जिम्मेवाराना हरकत दसिया गया सी। जंगल की अग तो बचने लई भज रहे कुछ लोगों का कहना सी कि अग बारे अहम डाटा लोगों नाल सांझा करन तो अजिहा बैन उन्हां नूं रोक रहा है। ट्रूडो ने यह भी आख्या कि फेसबुक वर्गियां कंपनियां जिहड़ियां कैनेडियनस कोलों कई बिलियन डॉलर कमा रही ने अजोके समय में असी उन्हां तों होर दी आस लई बैठे हाँ। इस सारे मामले उत्ते टिप्पणी करन दी मंग उत्ते मैटा वल्लों कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रगटाई गई। BC विच बेकाबू हुई जंगली अग ने जिथे हज़ारां लोगों घरों बेघर कर दिता है, उत्थे ही सूबे की हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित किया है। सूबा सरकार वालों जारी अलर्ट अनुसार आसमान च धुआं छाया हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया च स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऐलानी जा चुकी है। जंगली अग कारण घर खाली करन दे आदेशां ने 30,000 तो वध लोकां नूं प्रभावित कीता है। BC विच बेकाबू हुई जंगली अग ने जिथे हज़ारां लोगों घरों बेघर कर दिता है, उत्थे ही सूबे की हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित किया है। ऐतवार को सवेरे 11 बजे सूबा सरकार वालों जारी अलर्ट अनुसार अल्बर्टा सूबे की सरहद न लगता BC का दक्षणी इलाका जिस विच कैमलूप्स, केलोना, ओकानागन ते कुटिनेज शामिल ने, दे आसमाना च धुआं छाया होया है। यही धुआं दक्षणी तटवर्ती इलाकों तक भी पहुँच गया, जिस करके मैट्रो वैनकूवर अते फ्रेजर वैली इलाके च भी हवा की गुणवत्ता संबंधी अलर्ट जारी किया गया। BC विच इस समय करीब 380 जंगली अगां एक्टिव ने, जिस करके कई इलाकों च हवा की क्वालिटी डाढ़ी प्रभावित है। ऐतवार सवेर नूं एक न्यूज़ ब्रीफिंग च फायर अधिकारियों ने दस्या कि ओकानागन लेक दे आले दुआले फैली विनाशकारी जंगली अग की स्थिति च सुधार हो रहा है, पर ऐतवार नूं कोलंबिया शुशवैप रीजनल डिस्ट्रिक्ट ने दस्या कि लोअर ईस्ट एडम्स लेक अते बुश क्रीक ईस्ट दियां जंगली अगां मिलके एक वड्डी अग च तब्दील हो गई ने, जिस तों बाद सारे इवैकुएशन ऑर्डर अते चेतावनियां बरकरार ने। अग ने निलोना तो लगभग 150 किलोमीटर उत्तर विच स्थित एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान सुशवप लेक के नज़दीक वसे स्कॉच क्रीक अते सेलिस्टा दे इलाकों तबाह कर दिता। ब्रिटिश कोलंबिया च स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऐलानी जा चुकी है। BC दे दक्षणी अंदरूनी हिस्से विच यात्रा ते भी पाबंदी लगाई गई है अते सैलानियों नूं केलोना, कैमलूप्स, ओलिवर, ओसुयूज, पेंटिकटन ते वर्नन विच होटल, मोटल अते अस्थाई रहायशां लैण तों वरजिया गया है, तां जो इन्हां थावां नूं कढ के लियाए गए लोगों लई वरत्या जा सके। ऐतवार नूं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ते दस्या कि उन्होंने इस स्थिति का निजिठण लई
BC सरकार वालों मंगी मदद की बेनती मंजूर किया आ। उन्हें संकेत दिए कि लोगों को कढ़ के लियाउण अते होर इंतजामों विच मदद लई मिलिट्री की सहायता ली जाएगी। BC दे दक्षणी अंदरूनी हिस्से विच गैर जरूरी ट्रैवल नूं सीमित कर दिता गया है। जंगली अग कारण घर खाली करन दे आदेश ने 30,000 तो वध लोगों नूं प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों एक गल जोर दे के आखी गई है कि कई महीनों की देरी तो बाद भी उन्हां दी सरकार विदेशी दखल के मामले च अगे वध रही है, पर कंजरवेटिव आगू पीयर पोलेवर वालों यह दोष लाया जा रहा है कि ट्रूडो इस जांच दे राह च अड़िका बने हुए ने। सोमवार को जो पत्रकारों वालों यह सवाल पूछा गया कि चोणों विच विदेशी दखल के मामले की जांच च देरी इसलिए हो रही है क्योंकि लिबरल सरकार वालों किसी नूं इस प्रक्रिया की अगवाई करन लई नहीं आख्या गया, तो इस उत्ते ट्रूडो ने आख्या कि अजिहा नहीं है। शार्लेट टाउन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उत्ते पत्रकारों नाल गलबात करदिआं ट्रूडो ने आख्या कि असीं सारियां विरोधी धिरां नाल विचार वटांदरा कर रहे हां ते चाहुंदे हां कि जिहड़ा भी शख्स इस प्रक्रिया की अगवाई करे ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਓਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਟਰੂਡੋ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਓਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 21 ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਈਲੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 1/3 ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਬਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 21 ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 1/3 ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2031 ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੋਰਾ, ਵੈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਬੇ ਆਦਿ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 80% ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 100% ਟੀਚੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 5,50,150 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
IRCC का कहना है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रोग्राम की समीक्षा कर रहा है। फैडरल हाउसिंग मंत्री ने सोमवार को कहा कि फैडरल सरकार हाउसिंग बाजार के दबाव को घट करने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती से एक सीमा उत्ते विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हर्षल पास गोरी का कहना है कि रिहायश की भाल के पिछले 4 महीनों तो बिना जवाब दिए गए, रेंटल अर्जियों रद्द कर दिया गया, जिस नाल वह हैरान सी कि जेकर कोई रिहायश उपलब्ध नहीं सी तो उसको कैनेडा आने का सद्दा क्यों दिता गया। टोरंटो पुलिस वालों मोटरसाइकिल की कथित कारजैकिंग के संबंध में एक 14 साल लड़के को गिरफ्तार किया गया है। ये भी पता लग्या कि ऑनलाइन एड तो बाद मोटरसाइकलिस्ट इस शक्कियां दे ग्रुप नू मिलिया। शक्कियां वालों पेपर स्प्रे करके मोटरसाइकिल खोण की कोशिश की गई। कार जैकिंग दीयां खबरां मिलण तो बाद 12 अगस्त नू राती 9 बजे तो पहला पुलिस अधिकारी किंगस्टन रोड के सेलेस्ट ड्राइव इलाके च पहुँचे। प्राप्त जानकारी अनुसार ऑनलाइन मोटरसाइकिल की खरीददारी मुकम्मल करने लई शक्कियां ते मोटरसाइकिल का मालक मीटिंग करने लई इत्थे पहुँचे। पुलिस ने दसिया कि घटना का शिकार व्यक्ति समय नाल मीटिंग की मिथी हुई थां ते पहुँच गया अते इत्थे ही 3 मशकूकों वालों उस तक पहुँच की गई। एक मशकूक वालों कथित तौर पर उस व्यक्ति के मूँह उत्ते पेपर स्प्रे कर दिता गया, जबकि 2 होर उत्थों भज गए। तीजा शख्स उस व्यक्ति का मोटरसाइकिल खो के उत्थों फरार हो गया। जांचकारां का कहना है कि 18 अगस्त को उन्होंने एक लड़का चोरी के मोटरसाइकिल उत्ते जाता नज़र भी आया, पर किसी तरह पुलिस नूं चकमा देण च कामयाब हो गया। 2 दिन बाद आखिरकार 20 अगस्त नूं पुलिस वालों उस नूं हिरासत च लै लिया गया। इस 14 साल लड़के उत्ते कई चार्जिस लाए गए ने, अजे 2 शक्कियां की भाल की जा रही है। सोमवार सवेरे उत्तरी इटोबिको च कई गड्डियां की टक्कर हो जाण कारण 4 व्यक्ति गंभीर रूप च जख्मी हो गए। उन्होंने हस्पताल दे विच इलाज लई लिजाया गया। टोरंटो पुलिस का कहना है कि यह हादसा सवेरे 6 बजे तो पहला एलबियन रोड के इस लिंगटन एवन्यू उत्ते वापरिया। पुलिस का कहना है कि इस हादसे च 3 गड्डियां शामिल सन, जिन्हां विचों काले रंग की SUV पलट गई अते ट्रैफिक लाइट नाल जा टकराई। नतीजे वजो SUV विच मौजूद लोग विच ही फस गए। लोगों नू बाहर कढ़ने लई फायर अमले नू छत कट्टनी पई। पैरामेडिक्स ने दस्या कि 4 व्यक्तियों नू गंभीर हालात च हस्पताल लिजाया गया। जांच लई इस लिंगटन नूं एलबियन कोल बंद कर दिता है। डाउनटाउन टोरंटो च सवेरे वेले चली गोली कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की होमीसाइड जांच चल रही है। सोमवार को सवेरे 4:50 के नेड़े तेड़े कॉलेज स्ट्रीट के स्पैडिना एवन्यू इलाके च एमरजेंसी अमले नूं सद्या गया। पुलिस ने आख्या कि 2 या 3 लोगों का ग्रुप बाहर बहस कर रहा सी ते एक व्यक्ति ने गन कट ली ते दूजे व्यक्ति नूं गोली मार दित्ती। एक व्यक्ति स्पैडिना च स्टोर फ्रंट के बाहर मिलिया, गोली लगन कारण वह जख्मी सी। उसनू नाजुक हालत च हस्पताल ले जाया गया, जिथे उसनू बाद च मृतक ऐलान दिता गया। पुलिस ने दसिया कि एक गड्डी च दाखिल होने तो पहला 2 व्यक्तियों स्पैडिना के पूर्व वल जांदिया देखा गया, फिर वह गड्डी विच बैठ के उत्तर वल चले गए। किसी होर शक्की की जानकारी हासिल नहीं हुई है। मामले की जांच होमीसाइड यूनिट वालों अपने हाथ च लै ली गई है। जांचकारां का मानना है कि यह सब सोच समझ के किया गया है। मैक्सीको सिटी च बाइक सवारां दे एक समूह द्वारा हमला करन अते लुट्टण तो बाद एक भारतीय नागरिक की गोली मार के हत्या कर दिती गई ते एक होर जख्मी हो गया। 19 अगस्त नूं राजधानी दे अल ग्रीन इलाके च वापरी इस घटना की पुष्टि करदिआं मैक्सीको च भारतीय दूतावास ने अधिकारियों नूं दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी फड़न लई कहा। दूतावास ने ऐतवार नूं ट्वीट किया, एक बहुत ही अफसोसजनक ते दिल दहला देण वाली घटना सी जिस विच मैक्सीको च रहण वाले एक भारतीय नागरिक की गोली मार के दर्दनाक हत्या कर दिती गई। दूतघर अते @IndianSOMax उस दे परिवार दे संपर्क च ने अते हर तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। असी मैक्सीकन अधिकारियों तो दोषियों नूं जल्द तो जल्द फड़न की मंग कर रहे हैं। एल यूनिवर्सल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अणपछाते हमलावर ने भारतीय नागरिकों तो $10,000 लुट लै, जिन्होंने मैक्सीको सिटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नेड़े एक जगह पर पैसे का आदान प्रदान किया। पुलिस ने दसिया कि 2 मोटरसाइकलों 4 बाइक सवार सन,
जिन्हां ने भारतीयों ते हमला कर दिता ते मौके तो फरार हो गए। रिपोर्ट च कहा गया कि उन्हां विच्चों एक दी गोली लगन नाल मौत हो गई ते दूजे दा इलाज किया गया। पुलिस मुताबक विदेशी स्पैनिश नहीं बोलते सन पर उन्हां दे समान विच्चों पछाण मिली है। सोमवार नूं ट्वीट ते दोबारा पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि वह दोषियों नूं फड़न लई मैक्सीको च कानून लागू करन वाले नाल काम कर रहा है। मैक्सीको सिटी च अणपछाते हमलावरां द्वारा एक भारतीय नागरिक की गोली मार के बहुत ही अफसोसजनक ते दुखदाई मौत च दूतावास दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी फड़न अते पीड़ित परिवार नूं न्याय दिवाउण दी कानून लागू करन वालियां एजेंसियां नाल संपर्क च है। मैक्सीको च भारतीय भाईचारा छोटा है जिन्हां दी गिणती लगभग 8,000 है, जिन्हां विच्चों एक पंजवां हिस्सा मैक्सीको सिटी विच है ते बाकी ग्वाडालाजारा, मोंटेरी, क्वेरनावाका, क्वेरेटारो, कैनकून च फैलिया होया है। TCS, इनफोसिस अते विप्रो वर्गियां IT कंपनियां लई काम करन वाले IT पेशेवरां द्वारा थोक दा गठन किया गया है। होरना विच भारतीय ते अंतरराष्ट्रीय कंपनियां दे एग्जैक्टिव अकादमिक ते कुछ कारोबारी ज़्यादातर फार्मासिटिकल, टैक्सटाइल ते गारमेंट कारोबार च शामिल ने। बीते दिनी जिहड़े 21 भारतीय विद्यार्थी अमरीका तो डिपोर्ट किए गए सन ते उन्हां दे विद्यार्थी वीज़े रद्द कर दिते गए सन, वह हुण एक होर भयानक हकीकत का सामना कर रहे ने। उन्हां उत्ते देश विच 5 सालां लई दाखला पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी का प्रभाव सिर्फ अमरीका तक ही सीमित नहीं, क्योंकि माहिर चेतावनी देंदे ने कि यह कैनेडा, UK अते ऑस्ट्रेलिया समेत तो होर प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्थानों च दाखल होने दी संभावनावां नूं भी खतरे च पा सकता है ते उत्थे भी उन्हां दे जाण ते पाबंदी होवेगी। USA ने भारत के तेलंगाना के विद्यार्थियों नूं वीज़ा दस्तावेज़ां च गड़बड़ी कारण अमरीका तो देश निकाला दिता सी। जिमें कि माहिर इस स्थिति के बारे नतीजों की खोज करते हैं तो उन्होंने ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभाव तुरंत दाखले ते पाबंदी तो कितने वध ने। यह एक महत्वपूर्ण चिंता भी है कि भविख च एक H1B वीज़ा प्राप्त करने की कोशिश करने वेले इन्हां विद्यार्थियों लंबे समय की संभावी रुकावट का सामना करना पै सकता है। यह रुकावट उदों तक कायम रह सकती है जदों तक कि वड्डियां बहुराष्ट्री कारपोरेशनां द्वारा उन्हां दी अर्जी का समर्थन नहीं किया जाता। देश निकाले दीआं चिंतावां विचकार अमरीका वल नूं जा रहे विद्यार्थियों लई दस्तावेज़ां की जाँच का कानून बहुत सख्त होया है, जिस कारण विद्यार्थियों नूं काफ़ी वित्तीय नुकसान भी हुंदा है। उन्हां दे खर्चियां च जिवें कि वीज़ा फीस, हवाई जहाज़ का किराया, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन खर्चे, सलाहकार के खर्चे आदि शामिल होंदे ने। 21 विद्यार्थियों एक दिन विच अमरीका तो जबरदस्ती डिपोर्ट किए जाने की घटना ने वीज़ा संबंधी मुद्दों तो पैदा होने वाली पेचीदगियों बारे चिंतावान जगया है। मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के रहने वाले इन विद्यार्थियों ने अमरीका च उच्च सिक्ख्या के सुपने लैके अपनी यात्रा की शुरुआत की सी। उन्हां दीआं इच्छावां नूं अचानक कुचल दिता गया सी। इन्हां विद्यार्थियों नूं इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ां की बरीकी नाल जांच की गई सी, जिस दौरान उन्हां नूं संखेप हिरासत च लिया गया। यह कार्रवाई अमरीका के मुख्य हवाई अड्डिया अटलांटा, शिकागो ते सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया च की गई। यह सन हुण तक दीआं खबरां ते इस दे नाल ही अपने जसवीर नूं दिओ इजाजत। देखते रहो TV पंजाब।